आप बॉलीवुड विंडो के साथ मेरे साथ एक सेगमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑल माय फर्स्ट। हम लोग कसौली में थे, मेरे फादर की ट्रांसफ़र मोहन मीकन्स ब्रूरी में थी, ही वाज इन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर जो है सर्दियों, बाहर बर्फ़ पड़ रही थी और हमने जो अलमारी में से चुरा के पी थी, मैंने सेकंड हैंड मारुति 800 ली थी सेकंड हैंड, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं थी और बहुत सारी यादें जुड़ी है उससे कि कैसे कैसे वो ख़राब होती थी, कैसे कैसे हज़ार बार ठीक करा के भी मैं कैसे चलाता था। वो गाड़ी कभी भूली नहीं जा सकती क्योंकि उसी से मैंने गाड़ी चलाना सीखा। वो नोकिया के आते थे ना, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे से भारी भारी से, वो उस समय मैंने पहला लिया था फ़ोन। कॉलेज में थी एक हमारी दोस्त, मेरा फर्स्ट जॉब था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी में, एज एन एक्टर मेरा जॉब था, एक्टर के तौर पर मैं नौकरी करता था। मैं बहुत शालीन आदमी हूँ जिसका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, मैं बहुत चुप रहता हूँ जिसका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, और मैं कभी भी इधर की बात उधर नहीं करता, लेकिन उसका भी लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बेटियों के साथ एक डांस वीडियो डाला था सबसे पहले, जब मेरी एक बहुत अच्छे मित्र की डेथ हो गई थी। जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने गया था और मेरा पहला प्रिलिमिनरी इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ा बड़ा घबराया हुआ था उस समय। शिरडी के साईं बाबा को नमस्कार करता हूँ और हमारे देवी देवताओं को नमस्कार करता हूँ, चारों दिशाओं में प्रणाम करता हूँ। फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला, मेरी बेटी का ही किया था। अच्छा, गीती का बताना चाहेंगे? गीती गौड़ उनका नाम है जी। वो अपने डांस वीडियोस करती है, एक्टिंग वीडियोस करती है, क्योंकि वो विस्लिंग वुड से ग्रेजुएशन कर रही है एक्टिंग में, तो अपने वो वीडियोज़ अपलोड करती है, डांस वीडियोज़ अपलोड करती है। फिल्म स्टार रेखा। सर फर्स्ट फोन, फर्स्ट सेल फोन, फर्स्ट एवर डेट, सर आप बताना चाहेंगे तो, नहीं तो हम स्किप भी कर सकते। और सर तीन बुरी आदत। मैं लेजी बहुत हूँ और मुझे कोई भी नए काम की शुरुआत करने में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, जो कि एक तरह से अच्छी भी है, बट हाँ, लेकिन होनी नहीं चाहिए एक एक्टर को। और एक बुरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी एकदम से स्पॉन्टेनियसली कई बार गुस्सा भी कर देता हूँ लोगों पे। बहुत बेहतरीन लगा, बड़ा मज़ा आया, एक एक लाइन दो दो लाइन। आप हमारे सीरियल को जो प्यार जो मोहब्बत दी है वो देखते रहिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको एक बेहतरीन कंटेंट ला के दें।